6:30 बज रहे हैं और मैं सो के उठ चुका हूँ और आज भाई का है एग्ज़ाम, तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना है क्योंकि घर पे मेड आएगी तो खाना बनाने के लिए, तो वो 10 बजे तक आती है और कोई है नहीं घर पे, तो मुझे जाना होगा। और अभी मैं सो के उठा हूँ, फ्रेश व्रेश होऊँगा और फिर निकलता हूँ। और अभी देख सकते हो बालकनी में हूँ और हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। तो गाइस अभी क्या कहते हैं, मैं थोड़ा आ गया छत पे टहलने के लिए, थोड़ी धूप हो रही है लेकिन उतनी भी नहीं है क्योंकि अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं, और सोचा कि चलो छत पे ही टहल लेता हूँ, थोड़ी हवा वहीं मिलेगी, मतलब प्योर नेचुरल हवा जो होगी थोड़ी बहुत वो भी वहीं मिलेगी। अब उतनी प्योर तो रही नहीं दिल्ली में फिर भी। तो अब मैं दिखाता हूँ नानी ने कौन कौन से प्लांट्स लगाए हैं यहाँ पे। प्लांट्स लगाने का बहुत शौक़ है, देख सकते हो नींबू का पेड़ है यहाँ पे, एलोवेरा तो है ही है, और फिर उसके बाद इधर भी बहुत सारे पेड़ हैं। मिर्च भी लगाया था, कहीं मिर्च साइड में होगा, इस साइड कहीं होगा, शायद कहीं रख दिया उन्होंने मिर्च का पेड़। अभी देखो यहाँ पे कुछ कुछ प्लांट्स यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, और ये हमारा रोड। तो देखो गाइस यहाँ पे ये लोग हमारे बिल्ले साहब क्या कर रहे हैं, इधर उधर पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, मेरे को खुद ही पता चल रहा है। क्या हुआ भाई साहब, हेलो क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो, आ जाओ चलो आओ। सुनता हूँ और फिर नीचे बिल्ला खड़ा है तो बिल्ले को भी अंदर एंटर कराते हैं। ये देखो चलो चल चल जा जा जा, चलो नानी मैं जैसे निकल चुका हूँ नानी के घर से, और अब जल्दी से बस पहुँच जाना है घर पे, तो सही रहेगा। मैं अपार्टमेंट से बाहर आ चुका हूँ, आस पास भी कोई डॉग वॉक नहीं है, भैया आके खेलने लगते हैं सारे। तो चलो अब आधा रास्ता तो मैंने कवर कर लिया है और आधा जो बचा हुआ है वो कवर करना रह गया है, बाकी हवा थोड़ी बहुत चल रही है तो इतनी गर्मी लग नहीं रही है। अब देखते हैं कितना और वक्त लग जाता है पहुंचने में, थोड़ी सुबह सुबह ही वर्कआउट हो गया। चलो अब आगे निकलता हूँ, गेट तो आ ही गया है।
बिल्ले ने दूध नहीं पिया, पता नहीं क्या हो गया उसको, खेल रहा था छत पे जाके। और वाह ये भी सही है, दिख रहा है कुछ आपको गाइस, तो उसको पास भी ट्राई करते हैं, वो अलग बात है रिस्की होता है थोड़ा। तो ये देखो एक फोटो है वो सर, मतलब गाइस देख सकते हो कि कार के ऊपर बैठा हुआ डॉग यहाँ पे, ये भी रिस्क है किसी कार के ऊपर कोई भी डॉग बैठ जाता है फिर क्या बैठे डॉग के मजे, और जो मालिक है उसके सजे उतार सकता नहीं कि सर कभी भी एग्रेसिव हो जाते हैं तो कुछ भी हो जाता है। तो चलो थोड़ी दूर और बचा है वो कंप्लीट करके फिर मिनी मेट्रो पकड़ के निकलते हैं। तो फाइनली आज मैं बैठ चुका हूँ मिनी मेट्रो में, और थोड़ा टाइम लग गया लेकिन मिल गया, और सब जल्दी पहुँच जाते हैं। देखो भाई को हो जाएगा लेट, तो फिर ट्रेन से आएगा 25। गाइज अभी 9:30 बज रहा है रात का, और कैमरा क्वालिटी बहुत बेकार है, सो इसलिए मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को परेशानी होती होगी, लेकिन क्या करें, अभी आप लोग सब्सक्राइब करो तो पैसा वैसा मिले तो फिर DSLR लिया जाए। तो यही है फिलहाल, अभी हम निकले हुए हैं थोड़ा आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि कुछ मीठा खाने का मन किया तो सोचा चलो आइसक्रीम खा लेते हैं क्योंकि सस्ते में वही मिलता है। सो यही है, और बाकी अभी मैंने रास्ते में देखा कि एक मंदिर था, तो एक्चुअली वहाँ ताला बंद था, तो मैंने सोचा कि यार मतलब ताला बंद करने का क्या ज़रूरत है, वहाँ पे भगवान है, सेव कर सकते हैं मतलब खुद को। तो ये मतलब एक कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं है कि यार भगवान के यहाँ से चोरी करने वाला कितना बड़ा पापी होगा, सो वहाँ ताला बंद करने का कोई तुक नहीं है। एक मिनट, सो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं ये कुत्ते लोग अपना काम पे लग चुके हैं भौंकना। गाइज ये हमारा आइसक्रीम, और मतलब ख़रीद लिया, अब देख टेस्ट यही लेते हैं अक्सर हम लोग, तो इसका टेस्ट काफ़ी सही रहता है, और हमारे ब्लॉगर साहब और हमारे भाई साहब दोनों लोग भी खा रहे हैं, तो अब मैं भी निपटाता हूँ वरना पिघल जाएगा। गाइज फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, और क्या कहते हैं हमारे आइसक्रीम आइसक्रीम सब खा लिया, अब बारी है थोड़ी देर बैठ के टीवी देखेंगे फिर सो जाएंगे। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, और अब फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। और हाँ, अगर ये वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि शेयर करने से प्यार बढ़ता है। तो फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए।